आज हमारे साथ में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, उनका नाम है श्वेताब गांगवार। ये एक पॉपुलर यूट्यूबर है और एक ऑथर है, लेकिन आज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है जिसकी वजह से हमारी टीम ने इनको इन्वाइट किया है। प्रॉब्लम ये है कि एक 26 साल का लड़का है जिसको मैं प्यार से छोटी बच्ची बोलता हूँ, उसने ना सिर्फ मुझ पर बल्कि इन पर भी 2 करोड़ का केस फाइल किया है। और आज की डेट में ये इमोशनली और फाइनेंशियली इस कंडीशन में नहीं है कि उस केस को अकेले लड़ सके, इसलिए इनको हमारे सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो श्वेताब, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ऐसा क्या हो गया कि एक टाइम पर जिस इंसान को आप अपना छोटा भाई बोलते थे, आज वो इंसान आपको बर्बाद करना चाहता है। भाई था जो भी था, लाइक ये तो यू नो लाइक दैट्स हाउ वी स्टार्टेड बेसिकली। हमारा करियर जो भी स्टार्ट हुआ है वो वैसे ही स्टार्ट हुआ है। आप उसको कैसे मिले थे, कैसे जानते उसको? ओके, जब 500 आई थिंक इसके सब्सक्राइबर्स, अपेरेंटली भी मुझे भी पता चला कि इसके 500 सब्सक्राइबर्स थे कि जब मैंने रीच आउट किया, तो ही वॉज मेकिंग वीडियोज ऑन मी, ही मेड अ वीडियो ऑन मी। उसमें भी इसके रिएक्शन काफी ब्रैश थे, काफी एटीट्यूड था जो भी था। बट मेरे को एक पता नहीं क्यों बचपन से, बचपन नहीं बोलूंगा, जब मेरा यूट्यूब करियर जितना भी चला है उसमें एक हल्की सी एक चुल टाइप रही है कि छोटा कोई क्रिएटर है और अगर मुझे उसका कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं या तो पूरा सेपरेट वीडियो ही बना लेता हूँ, या मैं पॉडकास्ट में बुला लेता हूँ, या मैं होता है कि हेल्प करो यार। और वो कॉमेडियन भी हो सकता है ये, मैं एक सलील जामदार क्रिएटर था, सलील जामदार ने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था सेलिब्रिटी कल्चर पे, उसने यू नो सटायर या पैरोडी बनाई उसने, मेरे को बहुत अच्छा लगा उसका, 2 लाख या 3 लाख समथिंग व्यूज थे उस पर, जाके वो रुक गया। मैंने उठा के एक सेपरेट कम्प्लीटली वीडियो बना दिया एंड वो वीडियो जस्ट, मैं नहीं कह रहा मेरा वीडियो बहुत बड़ी चीज़ थी, बट उसकी वजह से उसको एक और पुश मिल गया, एक और लाइफ मिल गई उस वीडियो को। वो वीडियो बहुत तगड़ी तरह से वो गया। सलील और मैं आज लाइक हम लोग हमेशा से ही उस वीडियो के बाद तो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो गए। वो बात हमेशा वो भी कहता है कि यू नो उसने पंप दिया था मेरे को बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा साइमन सेज एक चैनल है, मैंने अपना पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो कुल मिला के, एंड इनकी कॉमेडी बढ़िया है, ये पंचअप कर रहे हैं, ये सटायर कर रहे हैं, ये आवाज़ भी उठा रहे हैं सही चीज़ों के लिए। तो वही था मेरा शायद प्रखर का मेरे को वीडियो दिखा होगा और मैंने इसको रीच आउट कर डाला। इवन तो इसका वीडियो एक्चुअली में काफ़ी रूट था जो मेरे पे बनाया था, बट मेरे को सबसे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा भाई मेरे को अच्छा लगा, आ जा, एंड हमारी बात हुई। मैंने कहा मैं तेरे को फुल सपोर्ट करूंगा, मेरे पे छोड़ दे। मैंने इसके चैनल पे पॉडकास्ट किया और मेरा जो पहला कोलैबोरेशन है उसी के अंदर वीडियो में, उसी में मैंने बोला है क्लियरली कि ये मेरा छोटा भाई है। लाइक मैं क्लेम कर रहा हूँ ये मेरा छोटा भाई है और इसको जितना मैं मतलब, अगर मेरा होता ना दिल से, आप कितनी हेल्प कर सकते हो किसी की, मतलब इससे ज़्यादा और तगड़ा एसोसिएशन क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, कुछ नहीं। तो मैंने कहा भाई मेरा छोटा भाई है, जितने भी मेरी ऑडियंस जो देख सकती है, आप कोई भी मन में 1-2% भी मत समझो कि ये कोलैबोरेशन हो रहा है कोई यूट्यूब या समथिंग, दिस इज पर्सनल, इसको सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मैं सच बताऊं इस वक्त आई डोंट नो हु दिस पर्सन इज, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज जो चीज़ें लाइक इफ आई हैव आइडियाज वो फिर बोलने लायक नहीं है, मतलब अच्छे नहीं है, तो ऑब्वियसली फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस वो अच्छे नहीं है, तो वो ही है। एंड आई डोंट नो, मेरे को काफ़ी शॉक हुआ हूँ मैं। मैंने आपका कम्युनिटी पोस्ट पढ़ा था जहाँ पर आपने लिखा था जी कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है अभी आपकी लाइफ में, अभी आपकी क्या कंडीशन है? जब मैं आया था आई थिंक 7 मंथ ओल्ड बेबी था। आप आए क्यों थे यहाँ पे, आने का रीजन क्योंकि क्या था? मम्मी को कैंसर डायग्नोसिस हो गया था ना। और आपके फादर? मेरे पिताजी नहीं है। अच्छा, आपके पिताजी नहीं है, मतलब कब से, किस एज से? मैं जब 15 साल का था। मेरे पिताजी की सिचुएशन भी बहुत खराब है, मैं सच बता दूं, मैंने बात अपनी जिंदगी में आज तक कभी करी नहीं है यूट्यूब पे, मैंने हिंट भी नहीं दिए हैं। मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे, ये बात मैंने कभी नहीं बोली, मुझे बहुत इस बात को मेरे को हमेशा ये रहता है कि ये मेरी मम्मी की कहानी है ना, मैंने क्या देखा है मुझे पता है, और वायलेंस में भी जो सहा है मुझे पता है। सर मेरी सिचुएशन में इसलिए बार बार बोलता हूँ लोगों से कि एजुकेशन में मुझसे क्या पूछते हैं तुमने क्या पढ़ाई करी, अरे भाई नहीं कर पाए यार। मैं आप बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, KGF मूवी का कोट है ना, असली योद्धा माँ होती है। सर ये बहुत सही कोट है, मेरी माँ ने जो किया है सर मेरे लिए, मैं अब एज एन एडल्ट समझता हूँ ये बातें। पिताजी को तो हर सुबह से शाम तक अल्कोहल चाहिए था। तो फिर उनकी डेथ के बाद में कैसे आपको फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट किया? मेरी मम्मी जब हम 13 थे तो खिलौने बनाती थी घर पे, उन्होंने खिलौना बनाना स्टार्ट कर दिया। तो खिलौने भाई मेरी मम्मी टैलेंटेड भी बहुत थी, क्रिएटिव थी बहुत ज़्यादा, तो बहुत सुंदर खिलौने बनाती थी जो प्लस टॉयज होते हैं, आज तो सब चाइना हो गया मार्केट पूरा, बट वो बनाती थी, आज भी अब शौकियाँ बनाती हैं। तो वो प्लस टॉयज बनाती थी, चाहे ऑक्टोपस हो, चाहे डॉल्फिन हो, पैरट हो, सब उन्होंने अकेले काम करना स्टार्ट किया कि लेडी के लिए घर पे खिलौने बनाती थी। शायद उनको 30 रुपये एक खिलौने का मिलता था। आपकी मदर का ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर का, और कैंसर क्या है वो वही समझ सकता है जो कि सर वो तो वर्ड ही इनफ है। हाँ, वो वर्ड ही इनफ है। वर्ड सुन के डर लगता है, सच बता रहा हूँ, मतलब घर में कोई भी इंसान हो, मतलब वर्ड ही ऐसा है कि वो वर्ड सुन के डर लगने लग जाता है, कैंसर हो गया, आदमी कहता अरे मैं हार जाऊंगा। मैं बहुत जेन्युइन बता रहा हूँ, अगर मेरी मम्मी को कुछ सीरियस हो जाएगा ना बहुत ज़्यादा, मेरा रिग्रेट यही है मैं वो नहीं दे पाया जो उन्होंने हमें दिया है। मेरे को बस यही है सर, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा वो है कि मेरे को अपनी माँ को ये जो रिमाइंडर लाइफ है सर, ये बहुत अच्छी देनी है। तो
तो मुझे आप एक बात बताओ यहाँ पर कि जिसको आप अपना छोटा भाई बोलते थे एक टाइम पे, उसको पता था कि आपके बचपन में क्या प्रॉब्लम हुई है, आपके घर की क्या कंडीशन है और अभी करंटली आपकी मदर को कैंसर है, ये पता है, ये तो पूरी दुनिया को पता है क्योंकि आपने कम्युनिटी पोस्ट में तभी मैंने डाला था सामने डाला है, पता है। मैं सच बताऊं दिल से, ये बात मेरे लिए मेरी पर्सनैलिटी ही नहीं है मैं पब्लिक करूँ। तो अब जब उन्होंने आपको कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा है, सीधा ही केस कर दिया है 2 करोड़ का, तो अभी करंटली आपकी मेंटल स्टेट क्या है, मतलब अभी आप इस सिचुएशन को कैसे डील कर पा रहे हो? जो चीज वर्स्ट चीज हो सकती थी टू गो रॉन्ग, दिस इज इट। बाकी सब चीजें, सब कुछ मैनेजेबल होता है लाइफ में, इतने तो है ना कि मैनेज कर लें। देखिए पछड़ों में भी तो कैटेगरीज होती ना, एक साइकोलॉजिकल पछड़ा होता है, वो होता है कंप्लीटली डिपेंडेंट करता है इंसान की पर्सनैलिटी में रेजिलियंस कितना है। मेरे में बहुत हाई है, मैं साइकोलॉजिकली पछड़ा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती। अगर लेट्स जस्ट से सेम, अगर मेरे को इंटरनेट पे मैं एक्सपोज हो रहा होता और दुनिया हंस भी रही होती है, मैं एक इमेजिनरी सिनेरियो बताता हूँ, मुझे 5 पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि दिखता है सब वहम है। ये चीज जो थी, यह एकमात्र चीज थी जो कि मैं इस वक्त मेरे लिए कंप्लीटली न्यू लेयर ऐड कर देता है ऑफ द एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज इन माई लाइफ। प्लस सर मेरे पास डेंट आया है फाइनेंशियली, आया है लास्ट 3 मंथ्स में आ गया, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, प्लस मुझे नहीं पता था ये होने वाला है, वरना मैं कंप्लीटली डिफरेंटली प्लान करता चीजें फाइनेंशियली भी। अच्छा उस इंसान को जिसने ये सब किया है आपके अगेंस्ट, उसका नाम नहीं लेते जी, उसको अगर आपको कोई मैसेज देना हो अभी वो ये वीडियो देख रहा होगा आई एम श्योर, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसको, मतलब अभी आपके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है? मैं दिल से बात बताऊं सर, मैं जब किसी इंसान को समझ नहीं सकता ना, या फिर उसकी मानसिक स्थिति को नहीं समझ सकता, सो लास्ट थिंग जो मेरे लिए बचती है एक्सटेंड करना वो है एम्पैथी। क्योंकि देखो दोस्त, तुम कुछ भी हो सकते हो लेकिन तुम एक बहुत अंदर कोर में इंसान ही हो। मैं एक बहुत छोटी सी बात कहूंगा सर, मैं लाइफ में जब भी, मेरा एक बहुत बड़ा मैसेज रहा यूट्यूब पे कि कभी भी किसी से बात हो जाए ना यूट्यूब पे, अगर कमेंट लिखने वाले हो तो 5 सेकंड कमेंट लिखने से पहले सोचना है कि इसके माँ बाप पढ़ रहे हैं। ये बहुत छोटी सी ट्रिक होती है जो ह्यूमनाइज कर देती है कि तुम, हो सकता है कुछ 4 बातें जो बोलने वाले थे उसमें वो शायद रुक जाओ, क्योंकि तुम्हें लग किस, ये एक बेटा है किसी का, ये किसी की बेटी है। तो सर मैं इस इंसान को अभी नहीं समझता, बट कहीं ना कहीं ये जूझ तो रहा होगा किसी ना किसी परेशानी से, खुश तो नहीं बैठा होगा, ये तो मेरा दिल जानता है क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं सर। मैं मैसेज नहीं आपको, मेरे को यहाँ पे मैं आप पे वो दे सकता हूँ कि लाइक व्हाट डू यू थिंक। अगर मैं अपने आप को आपकी जगह रख करके देखता हूँ तो मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग थ्रू, और कोई नहीं सोच सकता। और मैं सच बता रहा हूँ, ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू आपके और मेरे से ही हुई थी, जहाँ से पूरी दुनिया तो को पता है कहाँ से हुई थी, और 2 दिन में खत्म भी हो गई थी। और क्या, और मैं ये कह रहा हूँ चलो एक बार को मान लेते हैं अगर हमारी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं भी हुई है किसी वजह से, आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो दुनिया के, लेकिन ये जो अभी आपने बताया है, जो भी आपके साथ में चल रहा है, जो भी आपका बैकग्राउंड है या जो भी कुछ है, उसके बाद में मेरे को नहीं लगता कि मैं या कोई भी इंसान जिसके अंदर थोड़ा सा भी कंपैशन है, थोड़ी सी भी इंसानियत है, वो आपके अगेंस्ट ऐसा कुछ करने की सोच भी सकता है। करना तो बहुत दूर की बात है, उसने जो भी किया उसके बाद मैंने माफी मांग ली पब्लिक में, एक बार मांगी, 2 बार मांगी, एक बार प्राइवेटली भी मांगी। मेरे को बता दो आज तक पूरी दुनिया में यूट्यूब की हिस्ट्री में कोई ऐसा क्रिएटर हो जिसके 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो और उसने ओपनली पब्लिक में आकर के माफी मांगी हो किसी ऐसे क्रिएटर से जिसके 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स है। दिखा दो मेरे को एक भी एग्जांपल, दिखा दो। क्यों माफी मांगी? क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि 26 साल का है, मतलब इसके आगे पूरी इसकी लाइफ पड़ी है, क्या करना है, छोड़ो ना। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही बोला कि क्या करना है ये सब करके, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो जब छोड़ने वाली बात आई, मैंने कहा ठीक है, माफी मांगने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता है ना, तो माफी मांग लेते हैं। मैंने माफी मांगी, बात वहां पे खत्म हो जानी चाहिए थी कायदे से, लेकिन उसके बाद जो उसके ट्वीट्स हैं वो जाकर के पढ़ लो, उसको बोलते हैं डेफामेशन। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी लीगल टीम में एक जूनियर लॉयर है, उनसे एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उसका भी उसने मजाक बना दिया। मुझे नहीं पता वो उस लॉयर का मजाक उड़ा रहा था या कोर्ट का मजाक उड़ा रहा था पब्लिकली। फिर जाकर के जो हमारी लीगल टीम है, उन्होंने कहा कि एक लीगल नोटिस भेजना तो बनता है, कोई केस फाइल नहीं किया भाई, ना आपके अगेंस्ट, ना उसके अगेंस्ट, ना किसी के भी अगेंस्ट। और ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि वो नोटिस भेजने से पहले भी मैंने आपको क्या ईमेल किया था पर्सनली, कि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि मुझे पता है आपकी क्या कंडीशन चल रही है, आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि मुझे पता है आपने बता दिया है पोस्ट में कि आपका ये कंडीशन चल रही है, इतनी इंसानियत है मेरे अंदर। उसको भी मैंने सिर्फ एक नोटिस भेजा, जिसके रिप्लाई में उसने बहुत लंबा चौड़ा नोटिस भेजा। उसके बाद में मेरी लीगल टीम ने पूछा सर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिविल केस करना है, क्रिमिनल करना है, 10 करोड़ का करना है, 20 करोड़ का करना है, क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं करना है। तो ये जो बार बार एक्सक्यूज दे रहा है ना अपने प्लेटफॉर्म पे आकर के, ये जो मैंने किया वो श्वेताब की वजह से किया, श्वेताब ने मुझे बोला करने के लिए,
भाई साहब अगर आप एक एक्चुअल में 4 साल की छोटी बच्ची हो ना तो ये एक्सक्यूज बहुत बढ़िया है कि उसने मुझे कहा था थप्पड़ मारने के लिए मैडम, इसलिए मैंने उसको मार दिया। अरे भाई तुम एक 26 साल के आदमी हो, अगर श्वेताब कल को आ करके कहेगा कि चल यहां से छलांग लगा दे, चल जा करके उसको गोली मार दे, मार देगा क्या भाई तू? ये कोई एक्सक्यूज है? ये कोई लॉजिक है? आपके सारे जो प्राइवेट मैसेजेस हैं, जो वो एक्सपोज करने की बात कर रहा है, उसमें क्या है? उसमें यही तो है कि अगर आपने मान लो एक बार को बोला भी उसको ये करने के लिए, तो भाई दिमाग तो तुम्हारा खुद का है, तुम्हें पता होना चाहिए ना क्या करना है क्या नहीं। तो मैं बस इतना कह सकता हूं कि मुझे आज भी इस बच्चे की एक्चुअल में परवाह है। इसी वजह से हमारी लीगल टीम बहुत कुछ बोल रही है कि इसके अगेंस्ट ये करते हैं, वो करते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी हमारी तरफ से नहीं हो रहा है और मैंने सबको रोक रखा है, क्योंकि मेरे को अभी भी कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि ये जो मैटर है, चाहे जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो, प्रॉब्लम है ना, सॉल्यूशन निकलेगा, रिजॉल्व। आई हैव दैट कन्विक्शन, और इसीलिए आज की इस वीडियो में एंड में आई टॉक अबाउट अ सॉल्यूशन। अगर आप एग्री करोगे तो आप भी अपने सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, अगर वो समझ आ जाए उसको तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं समझ आता है और लीगल बैटल करने का शौक है तो उसके लिए भी मैं तो तैयार हूं। और वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ लो कि अगर आप ये केस हार भी जाते हो तो मैं कमिट करता हूं कि आपको 2 करोड़ रुपए नहीं देना है, वो 2 करोड़ रुपए मैं दूंगा, क्योंकि वहां पे हमको क्वांटिफाई भी करना पड़ेगा कि अगर आप 2 करोड़ मांग रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 करोड़ मिल जाएगा, यू हैव टू क्वांटिफाई कि भैया व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट। अगर मैं आज केस करता हूं तो आई कैन इजिली क्वांटिफाई कि भाई मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करने वाला था और मेरे को ब्रांड डील मिलने वाली थी 50-50 लाख की, 20 ब्रांड डील नहीं मिली तो मेरे को 10 करोड़ का नुकसान हो गया, तो नुकसान क्वांटिफाई हो गया इस डेफामेशन की वजह से। आप कैसे क्वांटिफाई करोगे भाई साहब, और आपका नुकसान कहां हुआ है? एक बार फैक्ट्स को देखते हैं ना, आपने खुद अपने मुंह से बोला कि ये सब होता है सब्सक्राइबर्स के लिए, नंबर वन। नंबर टू, आपने खुद अपनी वीडियो में बोला कि इस कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से आपको 50,000 सब्सक्राइबर्स मिले हैं। नंबर थ्री, जो भी वीडियोज इन्होंने बनाई है जहां पे मेरा नाम यूज किया है या मेरी फोटोग्राफ्स यूज करी है या मेरे बारे में है, उन सब के ऊपर अगर आप कलेक्टिव व्यूज देखोगे तो मिलियंस में है, जितने अगर आप इसकी 50 वीडियोस कंबाइन कर लो तब भी नहीं है। तो नुकसान कहां हुआ है भाई साहब, आपको तो प्रॉफिट हुआ है, कायदे से तो आपको 2 करोड़ रुपए मुझे देना चाहिए, 2 करोड़ रुपए मांग किस बात कर रहे हो? मेरे माइंड में इसका एक सोल्यूशन है, आप बताना अगर आपको ठीक लग रहा है तो, कि आपने हमारे ऊपर केस किया है तो आप हमारी ये वीडियोस हटवाना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, हम अपनी वीडियोस हटाने के लिए तैयार हैं। आई थिंक आप भी हटाने के लिए तैयार हो। मेरे को काम करना है। काम करना है, आप भी हटा दोगे तो हम अपनी सारी वीडियोस हटा देंगे, सारे पोस्ट हटा देंगे। आप भी भाई साहब अपनी सारी जो वीडियोस हैं और जो सारे पोस्ट हैं वो हटा दीजिए, इस केस को विड्रॉ करिए। उसके बाद में ना आप हमारे बारे में कुछ बात करोगे, ना हम आपके बारे में कुछ बात करेंगे। आप अपने काम पे ध्यान दो, हम लोग अपने काम पे ध्यान देंगे। उसके बाद में अगर आप अपना काम अच्छे से करते हो तो हो सकता है फ्यूचर में हमारी टीम आपको इन्वाइट करेगी यहाँ पर आने के लिए, और फिर हम साथ में बैठेंगे, बात करेंगे पुरानी बातों को भूल करके, ऑडियंस को क्लियर करके कि हमारी पास में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सब क्लियर हो गई है, एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करेंगे, बशर्ते कि आपका भी माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। यूट्यूब को देखो एक फैमिली की तरह, जैसे एक परिवार होता है उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन जो रहता है घर के अंदर ही रहता है। ऑफ कोर्स पूरी पूरी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बैठी हैं कल, जिसके पे यूट्यूब, आज यूट्यूब में क्रिएटर्स बोल पाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे एड्स होते हैं जिनको लेके हम लोग बोल पाते हैं कि ये गलत है, बहुत सारे ट्रेलर्स होते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एक्शंस होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े जो असली में बड़े हैं सर। तो अगर वो ये देखते हैं कि एक क्रिएटर के अगेंस्ट जो कि इतनी बुरी कंडीशन में है, उसके अगेंस्ट केस हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी जो फैमिली है वो बहुत ही पावरफुल है या बहुत ही पैसे वाले हैं और वो छोटे क्रिएटर को दबा सकते हैं, और कोई क्रिएटर उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है, ना पब्लिक कुछ कह रही है, तो मुझे ये बता दो उसके बाद में कौन रोकेगा किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को या किसी भी कॉर्पोरेट को हर बात पे केस करने से। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, जितने भी यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं, अरे भाई साहब इनके साथ में खड़े हो जाओ, क्योंकि अगर आज आप खड़े नहीं हुए तो कल आपके साथ में कोई खड़ा नहीं होगा, कोई भी आकर के आपके अगेंस्ट केस करेगा, ना आपके साथ में पब्लिक खड़ी होगी, ना आपके साथ में कोई क्रिएटर खड़ा होगा। आप चाहे एक यूट्यूबर हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे ऑडियंस हो, अपनी आवाज उठाओ, वक्त आ गया है। अगर आज चुप रहे तो कल आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा।